दोस्तों, राजनीति भी बड़ी अजीब हकीकत है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा देती है तो कभी जेल की सीखचों के पीछे। कभी दोस्त बनते हैं तो कभी वही दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त बनने पर गठबंधन होते हैं और सत्ता सुख भोगते हैं, लेकिन जब वो सुख भोगते भोगते दुखी हो जाते हैं तो वही दुश्मन बन जाते हैं और सत्ता गिरा देते हैं। एक और अजीब हालत देखने को मिलती है। देश में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नेताजी को रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि देश की 65% जनता 35 वर्ष से कम आयु की है। उनके लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, ये सब देखने का काम यंग लीडरशिप ही कर सकती है। इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार जैसों को रिटायर कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो अपने नेताओं के अनुभव से फ़ायदा लेना चाहती है। इसीलिए 80 वर्षीय दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को एक बार पुनः दिल्ली की कमान सौंप दी गई, ताकि डूबती नैया को पार लगाया जा सके। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में शीला दीक्षित जी से मिलेंगे और जानेंगे किस प्रकार वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरेंगी। लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित एक बार फिर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं। शीला 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। वो 2014 में केरल की राज्यपाल भी रही। शीला दीक्षित ने अपने ससुर उमा शंकर दीक्षित से राजनीति सीखी और कांग्रेस से शुरुआत की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शीला दीक्षित को अपने मंत्रिमंडल में लिया। वो पहले संसदीय कार्य मंत्री बनी और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री बनी। 1998 में सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में आने से पहले वे कई संगठनों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली में 2 हॉस्टल भी बनवाए। 1984 से 89 तक वे कन्नौज से सांसद भी रही। इस दौरान वे लोकसभा की समितियों में रहने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत की प्रतिनिधि रही। सरकारी राशि का दुरुपयोग, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जेसिका हत्याकांड में मनु शर्मा का साथ देने और चलती बस में गैंगरेप मामले को लेकर उनकी सरकार हार गई। अब एक बार फिर से शीला दीक्षित और उनकी टीम कमर कसकर तैयार है दिल्ली फतह करने के लिए। आज साधना ग्रुप के चेयरमैन आपको मिलवा रहे हैं दिल्ली की महापौर से लेकर मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित से। ये था राजनीतिक सफर दिल्ली की 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी का। आइए बातचीत करते हैं। शीला जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसके बाद केरल की राज्यपाल भी रही। आज जबकि कांग्रेस की नैया लगभग दिल्ली में डूबती नजर आ रही है, लोकसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं है, विधानसभा में भी एक भी प्रतिनिधि नहीं है, आप कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरेंगी? देखिए, कार्यकर्ता हमारे कांटेक्ट में हैं और बड़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उनमें एक नई ऊर्जा आई है और ये जो आपने कहा कि उसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें अप एंड डाउन्स डेमोक्रेसी में चलते हैं। इनका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए जो है हम में, और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार हम अच्छी तरह से जीत कर आएंगे। पिछले चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को रिस्पांस मिला था, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि बीजेपी के जो डेडिकेटेड थे वो तो वहीं रह गए और कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो गया। ऐसा ये अंदाज़ा है लोगों का, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इतिहास एक जैसा ही नहीं चलता हर वक्त। हुआ, आम आदमी पार्टी आई जो हमें उम्मीद कम थी लेकिन आ गई, तो ये इतिहास में होती रहती है अप्स एंड डाउन्स। तो ये आप समझ लें कि कभी हमारा डाउन हुआ तो हम कभी अप ही नहीं होंगे, या कभी अप हुए तो अब हम हमेशा के लिए अप हैं, तो ये आपकी नादानी है। तो ये चीज़ें चलती रहती है बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी में चैलेंजेस आर देयर ऑल द टाइम। ये आप सोच लें कि अब की बार हम जीते तो हमेशा के लिए जीतेंगे, या अब की बार हम हारे हैं तो हमेशा के लिए हारे, तो ये आपकी नादानी है। और डेमोक्रेसी में जो
बैटल होती है वो कंटिन्यूस होती है, और हम लोगों को कांग्रेस जनों को इतने बरस हो गए हैं, सैकड़ों बरस हो गए हैं, तो हमको इस बात की आदत है। हम निराश भी नहीं होते और इतने उत्साहित भी नहीं होते कि अब हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो 1977 का भी दौर देखा जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई थी और दो साल बाद फिर दोबारा से आ गए थे कि नहीं। तो ये हमारी विचार में, हमारी ट्रेनिंग में, हमारा जो सोच है इसमें रहता है कि डेमोक्रेसी है ये, यहाँ पर उतराव चढ़ाव जी भी डेमोक्रेसीज आप दुनिया भर में देख लीजिएगा, वहाँ सब जगह उतराव चढ़ाव रहता है। शीला जी, जब दिल्ली के चुनाव हुए पिछले, उससे पहले आप 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही, आपकी एक बहुत अच्छी पहचान बनी सीएनजी के कारण से, मेट्रो के कारण से, हरित दिल्ली के कारण से। उसके बाद जो केंद्र की ओर से जो स्कैम के आरोप लगे, चाहे वो 2G का था, 4G का था, कोल का था, आपको लगता है कि उनकी सजा आपकी सरकार को भुगतनी पड़ी और लोगों ने आपको नकारा? देखिए, हमारे ऊपर उन्होंने कोशिश करी थी, खासकर आम आदमी वगैरह ने कहा कोशिश करी थी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हम निकाल दें जिसमें हमारी जो काम कार्य करने की शैली थी वो सस्पेक्ट थी। कुछ नहीं निकाल पाए। क्या केंद्र में भी निकाल पाए कुछ अभी तक? तो ये तो चीज़ें उठाई जाती हैं केवल इसलिए कि क्योंकि आपके वो ऑपोजिशन के हैं, किसी ना किसी तरह से बदनाम करना है, जिसमें लोग उनकी बदनामी की वजह से उनको बैकअप ना करें, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कांग्रेस की ये नीति और कल्चर कभी नहीं रहा है, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो आप हमारे कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर जो कांग्रेस का है और अन्य और पार्टीज़ का इंक्लूडिंग बीजेपी का है, वो डिफरेंट है। उस टाइम मुख्य तौर पर आप पर भी आरोप लगे सरकारी पैसे के दुरुपयोग का, कॉमनवेल्थ गेम का, और सबसे बड़ा जो दिसंबर 2012 में चलती बस में गैंग रेप हुआ, लोगों के अंदर एक भावना जागी कि कोई ना कोई अल्टरनेट आना चाहिए बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट। देखिए, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बना दिया गया। यही केजरीवाल जी उस पर भी खड़े हुए थे, उस पर उन्होंने आरोप लगाया था। आज जो ग्रेप्स होते हैं उस पर क्यों नहीं बात चर्चा होती है? उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बना दिया, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बना दिया, और इतना ज़्यादा उसको चर्चित हुआ, चर्चा की गई। और मैं समझती हूँ कि हमारी कुछ कमी थी कि उसको हम जिस तरह से हमें फेस करना था उस तरह से हम कर नहीं पाए, बिकॉज हम पे एक कॉन्फिडेंस था कि ऐसे चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे, हमने किया, ट्रीटमेंट करा, उसको भेजा भी अब्रॉड वगैरह भी भेजा, जो सरकार की तरफ से करते थे। कांड तो हो चुका। अब्रॉड भेजने में भी आरोप ये लगा कि चुपचाप रात के अंधेरे में 3 एम्बुलेंस में बिठा करके भेज दिया। चुपचाप रात के अंधेरे में, रात को जाते या दिन को जाते, ये कोई इसमें आप आरोप लगाना चाहते हैं तो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। अब आरोप लगाना चाहते कि ये कपड़ा क्यों पहना हुआ है, ये रंग क्यों पहना हुआ है, इसमें आरोप ही अगर जो लगाना है आपको तो कोई भी बहाना लेकर कर देते हैं। दिल्ली की अक्सर समस्या रहती है लैंड ऑर्डर को लेकर के और लैंड को लेकर के, और ये दोनों हर मुख्यमंत्री ये कह देते हैं, केजरीवाल जी भी ये कहते हैं, आप भी ये कहते थे कि ये सब दोनों विषय केंद्र के हैं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रही, उसमें से 10 वर्ष तक केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार थी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में आपके बहुमत भी था, तो पूर्ण राज्य के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए? नहीं किए हमने, हमने हमेशा अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम लेना चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ता उसकी वजह से। ये ऐसे कहने से नहीं हो जाता कि भैया ये हमने दे दिया आपको या वो कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए तैयार नहीं थे। जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और ये हमारे अंदर नहीं आती है, अधीन नहीं आती है, तो हम लोगों ने फिर एक सिस्टम ऐसा बनाया कि है, हमारे पास नहीं है लेकिन काम तो हमें करना है, और कोऑपरेट करके हम करते थे केंद्र की सरकार के साथ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी या हमारी अपनी थी, उसमें हम कोऑपरेट करके
वो हमने एक सिस्टम निकाला और कोऑपरेशन की वजह से, क्योंकि आज भी लोग उन 15 साल को याद करते हैं, कोई कारण होगा ना जो काम हुआ यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक्स। केजरीवाल जी के जो 4 साल पूरे हो चुके हैं, इसका आप किस तरह से मूल्यांकन करना चाहेंगे, क्या उपलब्धियाँ मानती हैं? मुझे आप बता दीजिए क्या उपलब्धियाँ हैं। वो कहते हैं हमने एजुकेशन में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए, हमने हेल्थ में बहुत किया, बिजली पानी में बहुत कुछ किया, खासतौर से गरीब लोगों के लिए। सब ऐसा ही बोल रहे हैं। अगर जो आप कुछ भी ले लीजिएगा, जो जितने फ्लाईओवर्स बने हैं वो सब हमारे शुरू किए हुए थे। सिग्नेचर ब्रिज जो है उसका डिज़ाइनिंग भी हम ही ने करवाया था और शुरुआत भी हम ही ने करवाई थी। अब क्रेडिट वो उनके वक्त पे बन रहा है और अभी भी ठीक नहीं बना है, तो इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत सब हमने करी थी। जैसे मेट्रो की शुरुआत बीजेपी सरकार के टाइम में हुई थी और इम्प्लीमेंटेशन आपके टाइम में हुआ। बीजेपी की सरकार के टाइम नहीं हुई थी, ये हमारे ही टाइम हुई थी। जो मेट्रो हुई थी जब मैं गई थी लेकर करके आई थी, और हमारे ही वक्त हुई थी मेट्रो हुई थी। मैं आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगी जो हमने ना की हो, वो बात अलहदा है कि नेचुरली केंद्र को भी उसका क्रेडिट मिला, लेकिन दैट इज़ गवर्नेंस एंड दैट इज़ लाइफ। जो केजरीवाल जी का कहना है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और आज के टाइम में स्कूलों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कौन से स्कूल बनाए, सब हमारे बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ हमारी बनाई हुई हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमारी बनाई हुई है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उससे पहले जो और यूनिवर्सिटीज़ एक दो जो बनी थी, महिलाओं की यूनिवर्सिटी थी, जो एजुकेशन था, सबकी बुनियाद हम ही ने ले करी। हाँ, अगर जो उन्होंने उस पर कुछ काम किया तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ शुरू की हो वो आप मुझे बता दीजिए तो मैं बताऊँगी आपको। आम आदमी पार्टी अपने हर चुनाव में कांग्रेस को जी भर के गालियां देती है और आपके ऊपर भी बहुत तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। चारों तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों से मिली हुई है शीला दीक्षित। अनिल अंबानी जब कहता है कि हमको 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो एक दिन 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित उसका प्रपोजल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है बेचारा अनिल अंबानी को लॉस हो गया, उसके लिए एक पैकेज दे दो। लेकिन दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का आम आदमी जब कहता है कि जी मेरे से बिजली और पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, तो शीला दीक्षित कहती है कूलर चलाना बंद कर दो, पंखे से काम चला लो। शीला दीक्षित बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है, शीला दीक्षित पानी की कंपनियों के साथ मिली हुई है। दिल्ली की आम जनता का जीना दूभर हो गया, दिल्ली की आम जनता महंगाई की वजह से करा रही है, और सारी दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार शीला दीक्षित को हरा दो, इस बार शीला दीक्षित को हरा दो। और अब जब इलेक्शन का समय आया तो आपकी उनसे गठबंधन को लेकर बातचीत भी चल रही है। वो गालियाँ क्यों देते थे मुझे? वो सक्सेसफुल थे और लोग तो उन गालियों को नहीं मानते थे। ठीक है, उनकी एक कल्चर है इस तरह का, हमारा ऐसा कल्चर पॉलिटिकल नहीं है। हम लोग एक डिग्निफाइड तरीके से, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे गवर्नेंस में हो, हम हमेशा डिग्निफाइड तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है। और कांग्रेस ने हमेशा ही ऐसा किया, नहीं तो इतने बरस कांग्रेस थोड़ा ही चल सकती थी। ये तो आते जाते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या है, कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए होंगे, तो वो ये समझे कि वो सब कुछ कर चुकी है या सब कुछ कर रही। तो मैं समझती हूँ वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या खुद जो सत्य बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। आपके उनसे ना विचार मिलते हैं ना सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन सीटें हासिल करने के लिए उनसे गठबंधन को तैयार हैं, तो इसको आप अवसरवादिता की राजनीति नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में जो सिचुएशन चाहती है उसको अपनाया जाता है, और उसमें अच्छाई या बुराई अपनी नहीं देखी जाती है, पार्टी की देखी जाती है। और क्या देश को या सिटी को सूट करेगा, ये सब चीज़ें माइंड में ली जाती हैं, तब ये किया जाता है। कोई परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, और हमारे लिए आम आदमी पार्टी कोई एनिमी नहीं है, अपोजिशन है।
दिल्ली में जब गठबंधन की बात करते हैं तो आप उसको नकार भी रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो केजरीवाल कांग्रेस के, जब महागठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ बाकी लोगों के साथ में स्टेज पर खड़े होते हैं। देखिए ये तो प्रोसेस है, तरीका है काम करने का, इसमें कोई किसी का बुराई या अच्छाई की बात नहीं है, और ये नहीं है कि ये नहीं आप कर सकते हैं वो नहीं आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। जो सिचुएशन डिमांड करती है, जिसकी आवश्यकता किसी पॉलिटिकल पार्टी को महसूस होती है, उसका प्रयास किया जाता है, सक्सेस भी मिल जाता है और कभी फेल भी कर सकती। बीजेपी में और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक अंतर नज़र आ रहा है। बीजेपी ने अपने 75 वर्ष से अधिक आयु के सब लोगों को रिटायर कर दिया, किसी को टिकट नहीं दी, और वरिष्ठ लोगों को, आडवाणी जी, जोशी जी, सुमित्रा महाजन जैसे को। कांग्रेस ने आपको फिर दोबारा से दिल्ली की बागडोर संभलवाई है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये हमारा पार्टी का है और उनकी पार्टी की सोच है, उन्होंने भी तो उन लोगों को बहुत दिनों तक चलाया। अब इस वक्त जो उनका मैसेज, आई मीन दिस इज समथिंग दैट द पार्टी हैज़ टू डिसाइड। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया ठीक है, हम जो डिसीजन लेते हैं ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से डिसीजन लेते अपनी सोच के मुताबिक, और वो लेते हैं अब उनकी सोच के मुताबिक। अभी तक वही लीडर जिनको उन्होंने रिटायर करा, अभी तक तो वो कर रहे थे ना, एज उनकी 6 महीने 7 महीने कम होगी पर कर तो रहे थे। तो ये कोई चीज़, माफ़ करिएगा, कोई, मैं समझती हूँ ये कोई क्रिटिसिज्म की आवश्यक, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, आवश्यकता है, और पार्टी कोई समझती है उसके लीडर। देखिए ये लीडर सब जो हैं जानते हैं, जानकार है, एक्सपीरियंस्ड है, तो इनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी करती है। आप उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गढ़ हुआ करती थी और वहीं से देश की राजनीति की दिशा तय होती थी, लेकिन आज के समय में कांग्रेस वहाँ पर बहुत ख़राब हालत में है। आने वाले चुनाव में आप कैसा उत्तर प्रदेश में भविष्य देखती हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि आने वाले चुनाव में वी विल डू बेटर, लेकिन अभी एकदम कुछ कह देना ठीक नहीं है, नहीं कह पाऊँगी, लेकिन हमें पूरी विश्वास है कि वी विल डू बेटर, बिकॉज जिस तरह से ऑर्गेनाइज करा है कांग्रेस को, इस तरह से जो लोग हमारे पास यूपी के भी आते हैं वो भी कहते हैं कि इस वक्त हालत बहुत अच्छे, बेहतर है, अच्छे कह रही बेहतर है। तो अब देखिए होगा, जब चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट निकलेगा तब आपको पता चल जाएगा। इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, केवल एक बीजेपी है जो बहुमत के लिए लड़ रही है, बाकी सारी पार्टियाँ कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं और गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लड़ रही हैं। देखिए बीजेपी कितने बरसों के बाद इस स्थिति पर पहुंची है, हम तो हमेशा ही थे ऐसे। अब एक जो वक्त की आवश्यकता होती है उसके मुताबिक चला जाता है। पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि जो नेसेसरी है, जो आवश्यकता है, जो आवश्यक है समय के लिए, वो काम कदम उठाया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये गलत काम किया है। आखिर बीजेपी जब इंदिरा जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जब कांग्रेस आई थी गवर्नमेंट में, तो बीजेपी तो एक दो आदमी थे सर, उठी कि नहीं उठी? तो ये नहीं, उस वक्त हम लोगों ने ये नहीं कहा था, कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में उतराव चढ़ाव ये सब चलता रहता है, क्योंकि ये वोट से निर्णय और फैसले लिए जाते हैं, और वोट एक ही तरफ का हो या दूसरी तरफ का ही सिर्फ हो, ऐसा नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आपने इंदिरा जी का शासन भी देखा, उस समय भी आप राजनीति में थी, आपने राजीव जी के साथ भी आप काम भी देखा, राहुल गांधी जी आप काम कर रही हैं, आपको कहाँ क्या अंतर नज़र आता है? देखिए इंदिरा जी के साथ मैंने खुद नहीं किया था, मेरे फादर इन लॉ थे वहाँ पर, लेकिन इंदिरा जी एक आउटस्टैंडिंग लीडर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री भी प्रूव करती जा रही है और लोग भी इसको पहचानते हैं। राजीव जी के साथ मैंने ज़रूर बहुत काम किया, मैंने पहला अपना चुनावी उन्हीं की वजह से लड़ा,
तो एक गुण इस परिवार में है कि वो हमेशा पहले देश का सोचती है, और सेवा जो उन्होंने करी है देश के लिए, मेरे ख्याल में उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता, कोई और परिवार या कोई और लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए बार बार उनको कहा जाता है और उन पर रिलाय किया जाता है, क्योंकि वो हमारी प्राइड है। कांग्रेस के लिए एक वो ऐसी परिवार है जो फुल ऑफ प्राइड फॉर अस है, और साबित भी हुआ है कि इतने वर्षों से कांग्रेस ही तो रूल कर रही है, बीजेपी तो अब आई है और थोड़ा बहुत पहले थी अटल बिहारी जी के वक्त में, उसके बाद तो नहीं आई, अब देखते हैं क्या होता है। आपने नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का वर्ष का ये पूरा शासन भी देखा है, आप उनको कितने मार्क्स देना चाहेंगी, क्या उनके लिए मूल्यांकन करना चाहेंगी? मैं उनको मार्क्स नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों जो कही हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, तौर है, उससे कांग्रेस की विचारधारा जो है वो उससे उससे डिफरेंट है। पर ठीक है, तो उनका अपना स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है, और वो इलेक्ट होकर आए हैं तो ठीक है, ये तो इलेक्शन की वजह से, यानी जनता जो चाहती है वही होता है ना, कोई बिना इलेक्शन के तो आता नहीं है। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, वोटर पार्टी की बजाय व्यक्ति को वोट दे रहा है, वो प्रधानमंत्री किसे उसने चुनना है इसके लिए वोट देगा, तो ऐसे में एक और नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ पूरी नेताओं की पूरी लिस्ट है। आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए कितना आसान होगा चुनना? देखिए, अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो लोग देख ही रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोटर होता है, या आप भी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, हम फैसला तभी करते हैं जिस दिन हम अनलेस कमिटेड हैं किसी चीज़ को, जिस दिन हम जाते हैं वोट देने, उस दिन हम डाल देते हैं जिसको हम पसंद करते हैं और जो हम समझते हैं कि देश के लिए अच्छा होगा। कई जगह ये भी नहीं होता है, तो दिल्ली हिंदुस्तान का जो वोटिंग सिस्टम है वो बड़ा ओपन भी है, और एक तरह से जो इंसान चाहता है वही करता है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भी गाइड किया गया है, कुछ लोगों ने उनको गाइड किया है, कास्ट पे भी हो जाता है, क्या भाषा बोल रहे उस पे भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और सुलझी भी है। हम दिल्ली पर दोबारे अगर आएँ और दिल्ली के आने वाले इलेक्शन की बात करें, तो किन खास मुद्दों को लेकर के आप दिल्ली की जनता के पास जाएंगी? देखिए, जो डेवलपमेंट कांग्रेस के ज़माने में हुआ वो तो अब नहीं हो रहा है, जिस चीज़ों को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रहे हैं वो है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ जो आवाम को है वो नहीं दिखाई देती है कि भाई हाँ ये इन्होंने नया चीज़ कर दी है, ये बहुत अच्छा करा है। अगर जो आप बीजेपी और दोनों को की तुलना करें तो दिल्ली इतनी गंदी शायद कभी नहीं दिखाई दी जितनी आज दिखाई दे रही है, और सारी जो MCDs हैं वो तो सब बीजेपी की है, तो क्यों इतनी गंदी दिखाई दे रही है दिल्ली? और जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की जा रही है, और यही एक एहसास ऐसा है कि है ठीक है, लेकिन कोई ऐसी विजिबिलिटी कोई चीज़ नहीं है कि आम आदमी ने ये कर दिया है, जो है वो पुराना ही था, लोग देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख लीजिए, ब्रिजेस देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, अब आप देख लीजिए ज़रा सड़कों की हाल क्या हो रहा है इस वक्त, ज़्यादातर सड़कों का हाल बहुत बुरा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं करता है, वो हम कांग्रेस के ज़माने में नहीं दिखाई दे रहा था आपको, तो ये चीज़ें तो लोग अपने आप ही देख रहे हैं और फैसला भी अपने जो ठीक समझेंगे करेंगे। अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली थी, कई जगह पर जो नोटा का इस्तेमाल किया गया, नोटा नन ऑफ दी अबव, कि मेरे को इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो लोगों ने नोटा पर बटन दबाया,
और कई स्थानों पर जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनका मार्जिन कम था और नोटा के वोट ज़्यादा थे। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए? नो भाई, दिस इज़ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, एवरी इंडियन हैव द राइट। मैं वोट एक्स के लिए करना चाहती हूँ, पी के लिए नहीं करना चाहती हूँ, तो ये मेरा अधिकार है, राइट है मेरा, तो क्यों इलेक्शन कमीशन क्यों गाइड करेगा मुझे? वो तो कैंडिडेट जो है वो कितना अपने आप को आकर्षित बनाता है, क्या वो बातें कहता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या लगता है कि उसकी फ्यूचर में ये दिखाई देगा, इस चीज़ों पर हम लोग इस पर आधारित। आप भी ऐसे ही वोट करते होंगे, मैं भी ऐसे ही वोट करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि नन ऑफ द अबव, मेरे को इनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो ठीक है, नहीं पसंद है, वो भी आपका अधिकार है। भाई, हमें कोई भी कैंडिडेट लगा, भले ही MA हो, BA हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नहीं हो, कोई कैसे भी हो, नहीं कैंडिडेट पसंद करा, तो ये भी हमारा अधिकार है कि भाई हमें नहीं कोई कैंडिडेट पसंद आया तो हम वोट ही नहीं, अपना वोट किसी को डालेंगे नहीं। इस बार के चुनाव में एक और बड़ी निम्न स्तर पर हम पहुंच गए हैं, हमारे नेता किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, बदजुबानी की इस हालत पर पहुंच गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को 72 घंटे 48 घंटे का बैन लगाना पड़ा कितने सारे नेताओं पर। देखिए, ये तो गलत काम है और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए। हाँ, ये तो गलत काम है और मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको एकदम स्टॉप करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और हमारे क्योंकि जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की, वो इतने बरसों से बड़ी स्मूथली चल रही थी, बदलाव भी हुए नहीं भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्मली जिसने कुछ ना कुछ इस देश को दिया, कहाँ तो इस देश में जैसे हम लोग सुनते थे बचपन में कि सुई तक नहीं बनती थी, आज सब कुछ है यहाँ पर, ये किसकी देन है? उसकी देन है जिसको लोगों ने चुना और वो ज़्यादातर कांग्रेस को चुना है, ये तो नहीं डिनाई, ये तो हिस्ट्री है, ये तो आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। तो ये डेवलपमेंट लोगों को एहसास हो रहा है, होता है कभी कभी, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मेरी कास्ट है इसलिए मैं इसको वोट दूंगा, या मेरी भाषा बोलता है या मेरी तरह का है, वो एक कारण बन जाता है वोट देने का। लेकिन अधिकांश अब ये रह गया कि सरकार हमारी अच्छी होनी चाहिए, सरकार हमारी काम करने वाली होनी चाहिए और सरकार जो देश को फॉरवर्ड ले जाए। नौकरियां, अब आजकल नौकरियों का कितना परेशानी है, कितने लोग तक त्रस्त है कि नौकरियाँ ही नहीं मिल रही हमने, तो वो क्या करेंगे ऐसी सरकार का जब उनको नौकरी तक नहीं मिल रही है, तो सोचेंगे ना कि क्या ये सरकार हमें चाहिए फिर से या नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वाभाविक है और बहुत सारी ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। इस बार के चुनाव में ब्लैक मनी का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है और हर रोज़ समाचार आ रहे हैं कि वहाँ से इतने करोड़ मिले, वहाँ से इतने करोड़ मिले, और इस हद तक पहुँच गया कि तमिलनाडु के वेल्लूर में तो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी मात्रा में राशि मिलने के कारण से वहाँ के इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये ब्लैक मनी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं लोकतंत्र को? नहीं, ये तो गलत है और बहुत अच्छा है कि ये पकड़ा जा रहा है कि और ब्लैक मनी क्यों हो रहा है, तो कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है या लड़ती है उसको पैसा तो खर्च करना पड़ता है, पर उसका पैसे का मीन्स जो हो वो अच्छा हो, ओपन हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको पैसा खर्चना पड़ रहा है, लेकिन अगर जो हम उसके लिए कोई तरीका नहीं निकालते हैं कि वाइट मनी लेकर आए जहाँ तक हो सके, और ब्लैक मनी तो वो ब्लैक मनी वे चाहता है और ब्लैक मनी का क्रिएशन होता है, तो कुछ सिस्टम्स हमारे हैं जो अटेंशन चाहते हैं और मेरा ख्याल है अटेंशन देना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपने समय निकाला। चलते चलते आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, आप फिल्मों की बड़ी शौकीन हैं और शाहरुख खान आपका पसंदीदा कलाकार है, कौन सी फिल्म आपने लास्ट में देखी? अभी तो मैंने बहुत दिन हो गए कोई फिल्म नहीं देखी, क्योंकि टेलीविज़न में कुछ टाइम निकल जाता और वैसे भी मेरे अपने जीवन की फिल्म चलती रहती है, तो मैंने देखी नहीं है, सच बताऊँ आपको, मुझे याद भी नहीं कि कौन सी मैंने लास्ट फिल्म देखी थी।
तो ये मेरे में एक कमी आ गई है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब ये जिम्मेदारी हल्की होगी तब जाके फिल्में देखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ थी दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।